आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप अयोध्या धाम को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान दिलानी है। आज सुबह हमने यहां आकर के स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में, अयोध्या के साथ साथ प्रदेश में आज से लेकर के 21 जनवरी तक स्वच्छता का विशेष अभियान चलेगा। गांव हो या शहर, गली मोहल्ले हो या कोई सरकारी कार्यालय, भव्य भवन हो, कहीं भी पूरी सफाई, साफ सफाई की व्यवस्था करना। हर देव मंदिर में 16 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी तक अखंड रामायण का पाठ, राम नाम संकीर्तन का कार्यक्रम आयोजित करना। 22 जनवरी को जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के करकमलों से अयोध्या धाम में प्रभु राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे होंगे, इस कार्यक्रम की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जब संपन्न हो रहा होगा, तो इस अवसर पर हम सब एक बात को जरूर सुनिश्चित करें, और वह कि इस अवसर पर हम उस कार्यक्रम को लाइव देखें। मेरी अपील होगी उन सभी से जो अयोध्या आने के इच्छुक हैं। अयोध्या नव निर्माण के दौर से गुजर रही है, काफी इंफ्रास्ट्रक्चर बदल यहां का चेंज हुआ है, और भी अभी चेंज कर होने की प्रक्रिया में है। जब जिसको यहां पे बुलाया जाए, आमंत्रित किया जाए, उस दौरान आए तो उनको भी असुविधा नहीं होगी और यहां व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों को भी असुविधा नहीं होगी। 22 के पहले कोई भी वीवीआईपी या वीआईपी मूवमेंट न हो तो अच्छा होगा, क्योंकि सुरक्षा का है, व्यवस्था का है, दर्शन का है, इन सब में कठिनाई होगी। वहां भी काम लगा हुआ है, हर जगह लोग लगे हैं, युद्ध स्तर पर पूरी टीमें लगी हुई हैं, वे सभी लोग इसके साथ जुड़े। और जो कार्यक्रम दिया गया है, घर में हो या गांव में, शहर में हो या किसी पाठशाला में या मंदिर में, देव मंदिरों में, हमें हर जगह अखंड रामायण का पाठ, राम नाम संकीर्तन के साथ इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना। और 22 तारीख को जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से प्रोग्राम के भव्य प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित हो रहा होगा, उस कार्यक्रम को लाइव देखना। जो लोग वहां पे ट्रस्ट के द्वारा आमंत्रित किए गए हैं, वे लोग वहां पे मौके पे आएंगे। जो उस दिन नहीं आ पा रहे हैं, वे लोग टेलीविजन से या देव मंदिर में लगे हुए स्क्रीन के माध्यम से इस दृश्य को देखें, उसका अवलोकन करें, भव्य दर्शन करें, देखें, जन्म और जीवन को धन्य करें, और फिर जब अवसर मिलता है अयोध्या धाम आकर के प्रभु का दर्शन करें। हमें उनके स्वागत करने में प्रसन्नता होगी।